मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर सेकंड का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन या संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए किया गया। विश्व दो विश्व युद्धों को झेल चुका था, युद्ध की विभीषिका से भली भांति परिचित था, तो युद्ध से भविष्य में संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के संबंध में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य बात है किन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, इसकी सदस्य संख्या कितनी है, सदस्यता किस प्रकार की है, इसके भाषाएँ कौन कौन सी हैं आदि पर विचार करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। कभी कभी आ जाता है छोटे क्वेश्चन के रूप में जीके में कि संयुक्त राष्ट्र जो शब्द है वो किसने दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा 1 जून 1945 को। आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र जिसके अंतर्गत प्रस्तावना और अनुच्छेद थे को अंतिम रूप दिया गया। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड ने इस पर बाद में हस्ताक्षर किए, अतः 51 सदस्य राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। पोलैंड भी 51 सदस्य राष्ट्रों में से एक सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्नीस से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और इसके सदस्यों की वर्तमान में संख्या 193 हो गई है। जो कभी 51 सदस्य संख्या हुआ करती थी, आज इसके सदस्यों की संख्या 193 या 193 है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 विशेष अभिकरण हैं और 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां विश्व के सभी कोनों में कार्य कर रही हैं। 17 विशेष अभिकरण और 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां संपूर्ण विश्व में कार्य कर रही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या उद्देश्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पीछे, क्या उद्देश्य रहे, तो उद्देश्यों की चर्चा हम करते हैं। इसमें पहला आता है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। सामूहिक व्यवस्थादार यानी संपूर्ण विश्व की व्यवस्था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कार्य करेगी, व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, विश्व शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, यानी जो युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं, जो विश्व में शांति पैदा करते हैं, ऐसे आक्रामक प्रवृत्तियों, ऐसे आक्रामक राष्ट्रों को नियंत्रण में रखना, युद्ध की संभावनाओं को रोकना, ये मुख्य उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का रहा। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा होते हैं राष्ट्रों के मध्य, दो चार और सभी कई राष्ट्रों के मध्य विवाद होते रहते हैं, जिनसे युद्ध होता है, युद्ध होते रहे हैं, उनका शांतिपूर्ण समाधान निकालना, यानी विवाद पैदा होना स्वाभाविक है लेकिन उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो युद्ध नहीं होगा, ये उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्यों में से है। तीसरा आता है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय की भावना का विकास, राष्ट्रों में आत्मनिर्णय
की भावना का विकास और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, राष्ट्रों में आत्मनिर्णय यानी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन, जो राष्ट्र परतंत्र थे, गुलाम थे, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना।